हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बैन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, रिसेंटली पबजी मोबाइल को बैन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी। पिछले भी कुछ महीनों में हमने काफ़ी ऐसे न्यूज़ सुने जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी फिलहाल रिसेंटली एक और न्यूज़ निकल के आई है पबजी मोबाइल बैन को लेकर के। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के एक वेबसाइट से ये न्यूज़ आई है कि वहाँ के जम्मू कश्मीर एंड स्टूडेंट एसोसिएशन ने वहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट से मांग करी है कि इस गेम को बैन कर दिया जाए। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे 10th और 12th के एग्जाम में जितनी कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी। इसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि इस गेम को बैन कर दिया जाए। और उन्होंने अपना प्राइमरी रीजन ये बताया कि ये गेम जो है वो बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर रहा है। लोग 12-12 घंटे 24-24 घंटे इस गेम को खेल रहे हैं और अपने एग्जाम पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। इसीलिए वहां के स्टूडेंट एसोसिएशन ने गवर्नर ऑफ स्टेट से इस गेम की बैन की मांग करी है। और कहा जा रहा है कि इस गेम पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये भी कहा गया है कि ये गेम ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव हो गया है। तो ये सारी चीजें चल रही है जम्मू कश्मीर में। वेल, गेम के बैन को लेकर के पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पहले भी हम देख चुके हैं काफी ऐसी चीजें हो रखी है हमारे इंडिया में। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर में एक फिटनेस ट्रेनर ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था इस गेम को खेलने की वजह से, क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए थे और वो अपना मेंटल बैलेंस जो है वो खो चुके थे। ये दूसरा केस हो रहा है जम्मू कश्मीर में कि इस गेम को बैन करने की मांग की जा रही है। वेल, इंडिया में ये काफी टाइम हो चुका है। एक तमिलनाडु के कैंपस में इस गेम को खेलने को बैन कर दिया है और पिछले कुछ दिनों में हमने एक फेक न्यूज सुनी थी कि महाराष्ट्र में इस गेम को बैन कर दिया गया है। तो वेल, ऐसी चीजें चल रही हैं इस गेम को लेकर के। बट ये रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 10th और 12th के एग्जाम्स थे उसके रिजल्ट के परफॉर्मेंस से लोग खुश नहीं है और वो लोग बता रहे हैं कि इस गेम को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये गेम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। और अभी तक इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट मैं बता दूं कि ये न्यूज जो है वो सिर्फ एक पोर्टल से आई है, अभी तक ऑफिशियली कहीं पे भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही वहां के गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है, ना ही कुछ और। तो ये एक पोर्टल की न्यूज है, मे बी फेक हो सकती है या जो भी है। तो ऐसे कुछ न्यूज निकल के आई है जम्मू कश्मीर से। और मैं बता दूं कि इस गेम को लेकर के जो स्टूडेंट्स इस गेम पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस गेम के ऊपर, तो उन लोगों के लिए एडवाइस है कि तुम लोग अभी इतना ज्यादा एडिक्टिव मत बनो। कोई भी चीज एडिक्टिव हो जाती है तो वो चीज आपके लाइफ को स्पॉइल करती ही करती है, भले वो गेम हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे इस गेम को बताया जा रहा है कि ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव है ये चीज। और मे बी कई महीनों में है, क्योंकि काफी ऐसे आपके आसपास में आपने देखा होगा कि आपके दोस्त इस पे स्पेंड कर रहे हैं टाइम और काफी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मिस कर जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। और स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस गेम को थोड़ी देर के लिए साइड रखें और अपने स्टडी पे फोकस करें ताकि हमें कोई बैन वाली न्यूज ना सुनने को मिले और हमारी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो इस बैन को लेकर के, और सब कुछ नॉर्मल तरीके से रहे, गेम है गेम की तरह रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी पबजी बैन की न्यूज़ जो जम्मू कश्मीर में एक इंसिडेंट हुई है। और अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है बट पोर्टल से न्यूज़ आई है, तो मे बी कुछ चांसेस है कि शायद ऐसा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह ये गेमिंग वीडियोज देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।